रपंसल और राजकुमारियां और दुष्ट चुड़ैलें। एक बार की बात है, दूर दूर देश में एक रात जहां कामना की लालटेने आसमान में सजी, रपंसल, सिंड्रेला, जलपरी आर्या और स्नो वाइट सभी महासागर में लाइट हाउस के नीचे थे। हर एक ने दुनिया की बेहतरी की कामना की और फिर सूरज उदय हो गया। रपंसल की छोटू दोस्त क्लैप्सी सभी राजकुमारियों से पहले उठी और मीठी चेरी लेने के लिए जादुई वन की तरफ चल पड़ी। चेरी इतनी सुंदर, लाल और चमकदार थी कि वो खुद को रोक नहीं पाई और पूरी टोकरी खा गई। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तभी क्लैप्सी ने एक हिरन के बच्चे को देखा जिसके पैर में चोट लगी थी और वो लंगड़ा कर चल रहा था। हेलो बेबी हिरन, ये क्या हुआ तुम्हें? मेरे साथ आओ, मैं किसी को जानती हूँ जो तुम्हें ठीक कर सकता है। क्लैप्सी ने पलट कर देखा और आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी हिरन में कुछ बदलाव आया और उसकी आंखें चमकीली लाल हो गईं। लेकिन क्लैप्सी को इस बदलाव के बारे में पता नहीं चला और वो हिरन को स्नो वाइट के पास ले आई, क्योंकि स्नो वाइट के पास जानवरों को ठीक करने की जादुई शक्ति थी। जब स्नो वाइट उसकी टांग को ठीक करने के लिए बेबी हिरन के पास आई, मासूम सा दिखने वाला हिरन तुरंत दुष्ट रानी हेला में बदल गया। जब स्नो वाइट ने हेला को देखा तो वो बहुत डर गई। हेला, तुमने मुझे यहाँ कैसे ढूंढ लिया? हेला ने जादुई तरीके से अपनी बाहें लहराई और राजकुमारी के नीचे की जमीन फट गई और स्नो वाइट धरती की गहराइयों में जा गिरी। तुम सड़ोगी और बदसूरत बन जाओगी स्नो वाइट। इस दुनिया में कोई भी मेरे जितना सुंदर नहीं हो सकता। स्नो वाइट सीधे एक सुरंग में गिरी और एक काल कोठरी में कैद हो गई। लेकिन सबसे बढ़कर अन्य राजकुमारियों ने स्नो वाइट के लापता होने पर ध्यान दिया और वे सभी उसकी तलाश में निकल पड़ी। स्नो वाइट, तुम कहाँ हो? सिंड्रेला उस जगह पर घूम रही थी जहाँ से स्नो वाइट गायब हुई थी। वो कुछ और कदम आगे बढ़ी ही थी कि वो भी काल कोठरी में पहुंच गई। तभी जलपरी आर्या को समुद्र में किनारे से टकराती लहरों द्वारा एक सीशेल भेजा गया और उसने इसे सुना। क्या? वे उन्हें धरती के नीचे ले गए? मरमेड आर्या ने समुद्री शेल वापस लहरों को दिया और तुरंत जादुई जंगल में चली गई। उसी समय रपंसल और क्लैप्सी भी उस स्थान पर पहुंच गई जहां से स्नो वाइट गायब हुई थी। स्नो वाइट, तुम कहां हो? तुम कहां चली गई? रपंसल, देखो, जब मैंने उसे आखिरी बार देखा तो वो यहीं थी। और उसके इतना बोलते तक ही जमीन फिर से फटी और सिर्फ रपंसल अंदर गिर गई। आर्या, जो कि उसकी ओर दौड़ रही थी, को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और उसने अपने हाथों का इस्तेमाल करके रपंसल को रास्ते में ही रोक दिया। रपंसल हवा के एक बुलबुले में लटक गई और वापस जमीन पर आ गई। जब आर्या रपंसल के पास पहुंची तब भी जमीन फटी हुई थी और उसमें से आवाजें आ रही थी। कोई बचाओ, हमें बचाओ, हम यहाँ से निकल नहीं सकते। राजकुमारियों की आवाजें सुनकर रपंसल ने अपने बालों को उनकी मदद करने के लिए गड्ढे में डाल दिया। उसके बाल पकड़कर आर्या नीचे पहुंची। हम आ रहे हैं, चिंता मत करो। आर्या, बाहर देखो। जब आर्या देखने के लिए घूमी तो उसने वहां वेगा और हेला को देखा। वेगा, तुम यहाँ भी कैसे हो? शायद तुम मेरी शक्तियों को भूल गई हो आर्या। जब आर्या को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी
तो वेगा ने अपने ऑक्टोपस हथियारों से उस पर स्याही फेंकना शुरू कर दिया। आर्या ने खुद को बचाने के लिए अपने चारों ओर एक कवच बना लिया। उसी समय जमीन के ऊपर रपंजल के बेबी ड्रैगन द्रेडो ने ड्रैगन फल खाए थे और वो अब एक विशाल ड्रैगन बन गया था। ये देखते ही रपंजल समझ गई कि द्रेडो ने बहुत शक्ति प्राप्त कर ली है। द्रेडो, हमारी मदद करो। द्रेडो ने अपने पैर जमीन पर टिकाए। ये क्या चल रहा है? लगता है गुफा हम पर गिर रही है। हम तो जैसी गुफा में फंस जाएंगे। ये महसूस करते ही कि ये सही समय है, आर्या ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और काल कोठरी की सलाखों को खोल दिया और स्नो व्हाइट और सिंड्रेला को सुरंग से बाहर निकाला। बेशक वे सुरंग से बाहर आ गई थीं, लेकिन राजकुमारियां अभी तक जंगल में ही थीं। असल में वो अभी जंगल के बीचों बीच ही थीं। सीनिया और कैमिला राजकुमारियों के ठीक सामने खड़े थे। झाड़ू झाड़ू झाड़ू, मेरी प्यारी झाड़ू, एक पत्थर का दानव बनाओ और इन राजकुमारियों को सबक सिखाओ। कैमिला की जादुई झाड़ू ब्रूमी ने चट्टान के टुकड़े इकट्ठे करके उन्हें कैमिला के सामने रख दिया। पर्याप्त चट्टाने इकट्ठी होते ही जीनिया ने अपने जादू का उपयोग करके उसे एक विशाल काय पत्थर के दानव में बदल दिया। पत्थर का दानव राजकुमारियों की ओर बढ़ने लगा उन्हें चोट पहुंचाने के लिए। रपंजल ने अपने बालों को रस्सी की तरह फैलाया और पत्थर के दानव के पैरों को एक साथ बांध दिया, लेकिन पत्थर का दानव गिर गया था। वो हारा नहीं था। वो फिर से उठा और राजकुमारियों की तरफ दौड़ने लगा। मैं उसे नहीं रोक सकती। जलपरी आर्या ने अपनी शक्ति का उपयोग कर पत्थर के आदमी को हवा में दूसरी दिशा में भेजने की कोशिश की, लेकिन वो ना कर सकी। ये बहुत भारी है, मैं इसे नहीं उठा सकती। अब सिंड्रेला की बारी थी। उसने जंगल के सभी शक्तिशाली जानवरों को सहायता के लिए पुकारना शुरू किया। जंगल के जानवरों, मेरी आवाज सुनो। पत्थर का दानव बस कुछ ही कदम दूर था और उन्हें चोट पहुंचाने ही वाला था कि तभी आकाश में ड्रैगन द्रेडो ने अपनी ताकत दिखाई। द्रेडो ने पत्थर के दानव पर अपनी आग जैसी गर्म सांस छोड़ी। पत्थर का दानव अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर गया, लेकिन अभी भी उसे चोट नहीं लगी थी। तब ड्रैगन ने एक बार फिर से उस पर आग की गर्म सांसों से वार करना शुरू कर दिया, तो पत्थर के दानव ने अपनी बाह से एक टुकड़ा तोड़कर ड्रैगन पर फेंक दिया। जलपरी आर्या ने उस टुकड़े को अपने जादू से रोक दिया और ड्रैगन को लगने नहीं दिया। द्रेडो इस सब से बहुत क्रोधित हो उठा। उसने पत्थर के दानव को अपने पंजों में दबोचा और उसे लेकर चट्टान पर उड़ गया। उसने बहुत बहुत ऊंचाई पर जाकर उसे नीचे गिरा दिया और गिरते ही पत्थर का दानव चकनाचूर हो गया। ड्रैगन द्रेडो को पहाड़ियों में देखा जा सकता था। चुड़ैलें राजकुमारियों और ड्रैगन की शक्ति को देखकर इतना डर गई कि वे तुरंत वहां से भाग निकली। तुम हमें नहीं हरा सकती अगर हम सब एक साथ हैं। हमारे पास हैं जानवर, ड्रैगन और सुपर पावर्स। बस थोड़ा सा प्यार सब कुछ बदल देता है। और फिर सभी राजकुमारियां द्रेडो की पीठ पर चढ़कर समुद्री लाइट हाउस की तरफ चल पड़ी। अच्छाई एक बार फिर से बुराई पर विजय पा चुकी थी, लेकिन असल में मायने रखता है बुरे लोगों को अच्छाई सिखाना।